ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो है गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बाकी आपको सब कुछ इस स्टेप में समझ आएगा। एंड गाइस इसका जो मतलब आपको जो पार्ट्स है ना, जो भी मतलब मैं जो बताऊंगा कि आपको कैसे लगाना है, तो गाइस वो सब चीजें आप एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस आप कुछ भी पार्ट अगर स्किप करोगे ना गाइस तो आप लोग जो है मतलब एडिटिंग करते वक्त जो मतलब आपका प्रोसेस जो है इधर उधर हो जाएगा एंड आप जो अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो यार इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को करना है कि आप सभी को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप लोगों को अब यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद जो आप सभी को अपने जो ये स्क्रीन है इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे एक स्टूल दिख रहा है जिसके ऊपर आपको अपने मॉडल को बैठाना है, ठीक है। मतलब बैठाना नहीं है, मतलब आपको स्टैंड करना है। और गाइस फिर इतना हो जाने के बाद आप लोगों को अपने मॉडल को जो है जब यहाँ पे खड़ा कर दोगे तो आपको जाना ऐड फोटो में। गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको एक पीएनजी मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आपको उसे सिंपली ऐड करना है एंड इसको ऐड करने के बाद जो है इसका साइज कुछ इस टाइप से रख के इसको आपको अपने हैंड में फिट करना है एंड इरेजर टूल में जाकर जो भी वेस्ट वाला पार्ट हो उसको इरेज करना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है एक बार और ऐड फोटो में एंड गाइस वहाँ से ऐड करना है एक पार्टिकल का पीएनजी। तो हम चलते हैं यहाँ से ऐड फोटो में एंड पार्टिकल के पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमने पीएनजी को ऐड कर लिया, आप गाइस क्या करना है आप सभी को, आपको उसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है एंड इसको कर देना है स्क्रीन। एंड स्क्रीन कर देने के बाद आपको इतना साइज रखना है एंड उसके बाद जो आपको नीचे की साइड में कुछ इस टाइप से रख देना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको सिंपली अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है एंड उसके बाद जो इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन करनी है जो कि हम करते हैं लाइटरूम ऐप में। तो इसको अब अभी हम सेव कर लेते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं हम लाइटरूम ऐप में। अब गाइस हमने लाइटरूम ऐप में तो अपनी फोटो का ऐड कर लिया है, फिर जाना आप सभी को इस लाइट वाला ऑप्शन में। आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको इंक्रीज करना है, हाईलाइट जो है इसको कम करना है एंड शेडो जो है इसको इंक्रीज करना है एंड जो व्हाइट है इसको कम करना है, जो ब्लैक है इसको यहाँ पे इसको भी कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर्स में वाइब्रेशन बढ़ाना है, आपको फोटो का जो टेम्परेचर इसको कम कर देना है एंड जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर आपको सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको हल्का सा माइनस करना है, लुमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है येलो कलर में, आपको उसका ह्यू जो है प्लस कर देना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है एंड जाना है आपको ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में जाने के बाद आपको उसका ह्यू प्लस कर देना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है एंड उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे डार्क ब्लू में। डार्क ब्लू में जाने के बाद आपको उसका ह्यू बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर उसके बाद कर देना आप सभी को डन। इतना हो जाने के बाद आपको कलर के नीचे वाले टूल में जाना है एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी इसको इंक्रीज करना है, जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको फिर नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट रिडक्शन डाल देना है, इसके नीचे कलर नोट रिडक्शन उसको बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो गाइस आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना और बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।